तालियों की आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे लगता है जोरदार तालियों के साथ में अरविंद जी का स्वागत होना चाहिए लोकसभा चुनाव का आगाज बस कुछ वक्त में ही होने वाला है और उस वक्त में देश की सियासत में कुछ अहम चेहरे हैं और उसमें से एक अहम चेहरे अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल यानी देश की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट अरविंद केजरीवाल जिनकी जरूरत इस वक्त बहुत सारे लोगों को है उन्हें किसकी जरूरत है इस पर बात करेंगे लेकिन इस संवाद को अरविंद जी मैं शुरू करूं उससे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स राहुल जी मैं कोई नेता नहीं हूं और ना मुझे नेतागिरी करनी आती मुझे राजनीति नहीं करनी आती और आपके दर्शक पिछले तीन दिनों से जब से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है काफी पॉलिटिक्स की बातें सुन चुके होंगे तो मैं दो तीन बातें देश के बारे में करना चाहता हूँ हम किस्मत वाले हैं कि हमें देश के लोगों का दिल्ली के लोगों का बहुत प्यार मिला पार्टी बनते ही हमारी सरकार बन गई दिल्ली के अंदर और दिल्ली में हमने जो काम किए हैं कई सारे क्षेत्रों में काम किए हैं बिजली है पानी है सीवर है सड़कें हैं, शिक्षा है स्वास्थ्य है लेकिन आज मैं तीन सेक्टर्स की बात करना चाहूँगा और दिल्ली में हमने जो इन तीन सेक्टर्स में काम किया है वो पूरे देश को एक दिशा देता है पूरे देश के अंदर उन तीनों सेक्टर्स का समाधान करने का और विकास करने का एक दिशा देता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा विकसित देश है डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका ले लीजिए जापान ले लीजिए यूरोपियन कंट्री कोई भी ले लीजिए कोई भी ऐसा देश है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना विकसित हुआ हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली <laughs> 75 साल में हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया दिल्ली के अंदर हमने सात आठ साल के अंदर ही इतना शानदार सरकारी स्कूल बना दिए कि आज दिल्ली के हर बच्चे को उतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है जितनी प्राइवेट स्कूलों के अंदर मिल रही है यहां तक कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से लगभग चार लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं यह हमारा सबसे बड़ा एक तरह से सर्टिफिकेट है अब पंजाब के अंदर हमने शिक्षा ठीक करनी चालू की है तो हमारा मॉडल शिक्षा का यह है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो दिल्ली के अंदर अब सरकारी स्कूलों के नतीजे 99 परसेंट के करीब नतीजे आ रहे हैं जो कि अनबिलीवेबल है एक तरफ हमारा ये मॉडल है और दूसरी तरफ बीजेपी का मॉडल है जिसमें उनके मैं राज्यों का नाम लेना ठीक नहीं है एक राज्य ऐसा है जहां साढ़े चार हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए एक राज्य ऐसा है जहां छह हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पॉपुलेशन कम नहीं हो रही पॉपुलेशन बढ़ रही है सरकारी स्कूल और खुलने की जरूरत थी मौजूदा सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की जरूरत थी वो नहीं किया सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं एक तरह से मैसेज ये है कि अपने बच्चों को जो पढ़ा सकता है पैसा है तो प्राइवेट में पढ़ा लो अब सरकार तुमको नहीं पढ़ाने वाली तो पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो है मेरे को स्कूल बनाने आते हैं मेरे को बच्चे पढ़ाने आते हैं अब पंजाब के अंदर भी हम सारे सरकारी स्कूल ठीक कर रहे हैं मैंने हिसाब लगाया है देश के अंदर 10 लाख सरकारी स्कूल हैं जिसमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं इन 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी अच्छा बनाने के लिए शानदार बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है देश 5 लाख करोड़ रुपए दे सकता है ये खर्चा नहीं है ये इन्वेस्टमेंट है ये बच्चे जो निकलेंगे ये बच्चे इस देश का आगे विकास करेंगे देश का विकास जनता करती है यह सत्रह करोड़ बच्चों का भविष्य बनाएगा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एक बच्चा है उसके पिताजी प्लंबर का काम करते हैं पूर्वी दिल्ली में सात हजार रुपये महीना कमाते हैं उस बच्चे को क्योंकि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए उसका अब कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया है एक आई में अब वो बच्चा जब निकलेगा उसको चार लाख रुपए तीन लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलनी चालू होगी तो उस बच्चे के घर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई अगर हमने अपने सारे बच्चों को पढ़ा दिया मैं आपको बता रहा हूं सात आठ साल के अंदर एक जनरेशन के अंदर हमारे देश के अंदर से गरीबी दूर हो सकती है तो ये एक मॉडल है जिसके जरिए हम देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं दूसरा स्वास्थ्य के ऊपर आते हैं स्वास्थ्य के अंदर दिल्ली में हमने ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए सारे सरकारी अस्पतालों को अच्छा कर दिया सबका इलाज मुफ्त कर दिया चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे दस लाख रुपए का हो चाहे पांच लाख रुपए का हो चाहे जितना भी खर्चा हो डिस्प्रिन हो वो भी फ्री ब्लड टेस्ट हो वो भी फ्री सर्जरी हो वो भी फ्री कैंसर हो वो भी सब चीजों का इलाज मुफ्त कर दिया हमने पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति एक करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त करने के लिए गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए और पूरे देश के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाने के लिए पांच लाख करोड़ रुपए का खर्चा है मुझे लगता है पांच लाख करोड़ रुपए देश दे सकता है पांच लाख करोड़ रुपए में आपके स्कूल ठीक हो जाएंगे और पांच लाख करोड़ रुपए के अंदर आपको आप सबका इलाज मुफ्त कर सकते हो इसका पूरा दूसरी तरफ उनका मॉडल है उनका मॉडल क्या है हेल्थ का आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत मतलब इंश्योरेंस मॉडल वो कहते हैं कि पांच लाख रुपए का इलाज हर परिवार को हम मुफ्त देंगे और पांच लाख रुपए से ज्यादा का इलाज हुआ तो और उसमें भी वो कहते हैं केवल जिसकी ढाई लाख रुपए सालाना तनख्वाह है उसको कम दिल्ली में हमने वो कहते हैं ढाई लाख रुपए से जिसकी ज्यादा तनख्वाह है उसको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा दिल्ली में हमारा मॉडल है हम सबको फ्री इलाज देते हैं चाहे चार लाख रुपए तनख्वाह वाला हो वो कहते हैं हम पांच लाख रुपए तक का परिवार को इलाज देंगे हम कहते हैं जितना भगवान ना करे बीमार हो कोई लेकिन बीमारी में जितना खर्चा आएगा हम सारा देंगे और उनके मॉडल के अंदर इंश्योरेंस कार्ड दे देते हैं अब उत्तराखंड के पहाड़ों में चले जाओ उस कार्ड का क्या करेंगे हम अस्पताल ही नहीं है तो देश में अस्पताल बनाने पड़ेंगे गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा वो हमारा मॉडल है और तीसरी चीज बिजली आज दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी छः सात सात घंटे के पावर कट लगते थे आज दिल्ली के अंदर चौबीस घंटे बिजली आती है दो साल पहले जब हमारी पंजाब में सरकार बनी दस दस घंटे के पावर कट लगते थे आज पंजाब में चौबीस घंटे बिजली आती है देश के अंदर न किसानों को बिजली मिल रही ना इंडस्ट्री को बिजली मिल रही और 10-10, 12-12 घंटे के गांव गांव में चले जाओ गांव में तो बिजली है ही नहीं पूरे देश के अंदर पूरे देश को आज ये जान के ताजुब होगा जब मैं आपको यह स्टेटिस्टिक्स बताने जा रहा हूं हमारे देश के अंदर चार लाख मेगावॉट बिजली बनाने की क्षमता है चार लाख मेगावाट और डिमांड कितनी है पीक डिमांड गर्मियों में जब भारी गर्मी पड़ रही होती है सारे एसी चल पीक डिमांड हमारे देश की है दो लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता चार लाख मेगावाट और बिजली खपत हमारी दो लाख मेगावाट तो बिजली तो बहुत ज्यादा बन रही है हमारे यहां ये बिजली घरों में क्यों नहीं आ रही पावर कट क्यों लग रहे हैं इंडस्ट्री को बिजली क्यों नहीं मिल रही खेती को बिजली क्यों नहीं मिल रही आपके घर को बिजली क्यों नहीं आ रही आ सकती है नीयत की कमी है मैनेजमेंट मैनेजमेंट की कमी है और आखिरी चीज कुछ लोग मुझे कहते हैं केजरीवाल जी आप फ्री बिजली देते हो फ्री ये सस्टेनेबल नहीं है हमने दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे दी पंजाब के लोगों को फ्री बिजली दे दी थी। बजट ठीक ठाक चल रहा है हमारा कोई दिक्कत नहीं हो रही पूरे देश के हर परिवार को 200-200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का खर्चा है बस हर परिवार को मुफ्त बिजली मिल जाएगी तो सारा पांच लाख करोड़ रुपए में बिजली ठीक शिक्षा ठीक हो जाएगी पांच लाख करोड़ रुपए में स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और डेढ़ लाख करोड़ में बिजली साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपए में अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी अच्छी हेल्थ केयर मिल जाएगी बिजली चौबीस घंटे मिल जाएगी फ्रिजली फ्री मिल जाएगी और ग्यारह लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों के लोन माफ करे हैं अगर वो दोस्तों के लोन माफ नहीं करते दोस्तों के लोन माफ नहीं करते तो देखो कितने काम हो सकते थे तो मेरे ओपनिंग रिमार्क इतने बाकी जो आप मुझसे पूछेंगे फिर से मैं यही कहूंगा मेरे को राजनीति करनी नहीं आती इंजीनियर हूं मैकेनिकल इंजीनियर हूं आई आई टी से पढ़ा लिखा हूं काम करवा लो मेरे से जितना देश की तरक्की के लिए मेरे को मौका दिया आप लोगों ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तो काम करना चाहते हैं अरविंद जी लेकिन जो, जो एजेंसी काम करना चाह रही है आप उसमें सहयोगी नहीं कर रहे हैं ईडी जिसको लेकर के कहा जाता है कि उनका दावा है कि उनके पास में आपकी मोटी फाइल है लेकिन अब आप, आपके घर पे भी एक मोटी फाइल बन गई है जो लगातार उनके सम्मन आ रहे हैं आठवां सम्मन आज आ गया आप जा क्यों नहीं रहे ईडी के दफ्तर देखिए ये दो साल से इनका केस चल रहा है कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में दो साल से इनका केस चल रहा है इन दो सालों के अंदर पता नहीं हजार से ज्यादा रेड मार चुके पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके इनको अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई पता नहीं कितने रेड मार चुके हैं मनीष जी के यहाँ कितनी बार रेड मार चुके हैं हमारे लोगों पे कितनी रेड मार चुके हैं मनीष जी अंदर हैं सतेंद्र जैन अंदर हैं विजय नायर अंदर हैं सबके संजय सिंह अंदर हैं सबके के यहाँ रेड हुई किसी के यहाँ कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज साहब ने बार बार बोला कि एक आपके पास जरा सा भी एविडेंस नहीं है इस केस के अंदर दिस केस विल नॉट स्टे फॉर टू मिनट्स ऑल्सो इन द ट्रायल कोर्ट ये जज के रिमार्क्स थे तो जाहिर तौर पर इनका मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है ये केस जांच करने के लिए नहीं है ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी बता दी जिसके टॉप के नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर के नेता जेल के अंदर बैठे बिना किसी आरोप के कोई आरोप नहीं कुछ नहीं तो ये आम आदमी पार्टी को क्यों क्रश करना चाहते हैं मुझे लगता है देश नहीं दुनिया के इतिहास में ये अकेली पार्टी है जिसकी दस साल के अंदर दो राज्यों के अंदर सरकार बन गई आज हमारी अकेली पार्टी है जो जनता के मुद्दों की बात करती है इन लोगों से पूछ लीजिए इनको क्या चाहिए इनको अपने बच्चों को पढ़ाना है बीमार हो जाए घर में तो उसका इलाज कराना है इनको सड़क चाहिए इनको बिजली चाहिए इनको पानी चाहिए कौन सी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है केवल हमारी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है तो ये इनको अगर बीजेपी को आज खतरा है भविष्य में तो केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं निपिंग इन द बर्ड वो आम आदमी पार्टी को अभी क्रश कर देना चाहते हैं कि भविष्य का कोई खतरा ना बचे तो इनका कोई जांच वाँच इनका मकसद थोड़ी है अरविंद जी लेकिन आम आदमी के मन में जो सवाल है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इतने बुलाने के बाद क्यों नहीं जा रहे कुछ गिरफ्तारी का डर है क्या और आपकी पार्टी जो बार बार कहती है हर बार जब सम्मान आता है कि देखिए गिरफ्तार कर लेंगे ये जो कहते हैं बार बार ये क्यों कहते हैं उत्सुकता है उम्मीद है या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है सो <laughs> so, पूरा देश देख रहा है जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है इन्होंने जैसे मैंने कहा नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर सबको गिरफ्तार कर लिया अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं आज मेरे पास कुछ वॉल्टियर्स का फोन आया वो कच्ची कॉलोनियों में घूम रहे थे उन्होंने फोन करके बताया सर यहां पे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं लोगों ने कहा कि अपने केजरीवाल को बोल देना बिल्कुल नहीं जाएगा ईडी अच्छा जा का मकसद केंद्र सरकार का मकसद कोई जांच वाच करना नहीं है केंद्र सरकार का मकसद केवल और केवल केजरीवाल को गिरफ्तार करना है तो इनका मकसद जांच से कोई आज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इन एजेंसीज का मकसद कोई जांच तो रह ही नहीं गया जगह जगह ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ रहे हैं एनसीपी को तोड़ दिया शिवसेना को तोड़ दिया सरकारें गिरा रहे हैं एम को खर... एक चीज बताओ शिवराज सिंह चौहान बड़े कद्दावर नेता होते थे छोटे मोटे नेता थोड़ी थे हमारे देश के थ्री टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे थ्री या फोर टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे, जीज़ थे। जीज़। थ्री टाइम्स वसुंधरा राजे जी कद्दावर नेता होती थी एक झटके में उठा के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को परे कर दिया एक झटके में उठा के उन्होंने वसुंधरा राजे को परे कर दिया मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर ईडी नहीं होती तो आज इन दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली होती और बीजेपी की नाक में दम कर दिया होता इन दोनों ने ईडी से डरा डरा के आज केंद्र सरकार चली ईडी से रही है इस पार्टी को तोड़ दो उस सरकार को गिरा दो ये ये क्या है ये जनतंत्र नहीं है हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है जो भी हो रहा है देश के अंदर अरविंद जी तो आज आप इस मंच पर कह रहे हैं कि ईडी संबंध भेजती रहे आप नहीं जाएंगे मैं वही करूंगा जो कानूनी रूप से जायज है अब मैं कानून पे आ जाता हूं पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए मैं कुछ संबंध पे नहीं गया ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया अब मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को बताने वाला हूं कि कैसे ईडी के संबंध इलीगल हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ईडी जो समन भेज रही है वो इलीगल है कानूनी रूप से सही नहीं है मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा तो अब जब तक खुद ही ईडी वाले कोर्ट में गए जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तो ईडी को इंतजार करना चाहिए वो ईडी कोर्ट के भाई आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या आप ही तो गए कोर्ट में कोर्ट पे भरोसा रखो कोर्ट का जजमेंट आ जाने दो कोर्ट का जजमेंट आने तक इंतजार नहीं करते रोज कल एक जवाब दिया आज फिर एक समन आ गया कल फिर एक समन आ जाएगा तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखा है कोर्ट कहेगा तो जाएंगे कोर्ट कहेगा तो जाएंगे कोर्ट कहे तो सही इनके इनके समन्ध जो है वो बिल्कुल इलीगल है और क्यों इलीगल है मैंने इनको कानूनी जवाब दिया है लेकिन मेरे ऑब्जेक्शन का वो जवाब ही नहीं देते अरविंद जी जब आपने कोर्ट की बात की तो आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं बेल नहीं मिल पा रही है उन्हें क्यों ऐसा हो रहा है कि आप अदालत के सामने ऐसी बातें नहीं रख पा रहे कि वो निर्दोष हैं और कम से कम बिल दे, तो दे दीजिए दो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने बार 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 कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कोई सबूत नहीं है कोई रिकवरी नहीं है एक पैसे की रिकवरी नहीं है ये केस दो मिनट के लिए नहीं चलेगा ये तो उनकी लाइन थी ये केस दो मिनट में नहीं चलेगा ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को किसी को नहीं मिल रही जमानत ईडी के केस के अंदर क्यों नहीं मिल रही अभी तक देश का कानून ये होता था क्रिमिनल लॉ ये होता था यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा आपके ऊपर कोई एफ हुई आपको गिरफ्तार करते थे आपसे पूछताछ करते थे और पूछताछ के बाद 10-15 दिन के बाद आपको बेल मिल जाती थी आप घर आ जाते थे फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता था मुकदमे में अगर आप दोषी पाए जाते थे तब आपको सजा होती थी और आप जेल जाते थे अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी e. में पलट दिया अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल ट्रूव इनोसेंट इस कानून में इन्होंने लिख दिया इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा आपके ऊपर एफ होगी झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते मुकदमे तो इस देश में पंद्रह पंद्रह साल चलते रहते हैं तो पंद्रह साल तक आप मनीष सिसोदिया को जेल में रखोगे तो ये बेल इसलिए नहीं मिल रही कि वो दोषी हैं बेल इसलिए नहीं मिल रही कि उन्होंने ये पूरा कानून पलट दिया इसीलिए ईडी की वजह से आज पार्टियां टूट रही हैं आप पहले जो कानून था भाई आपने करी आप गिरफ्तार कर लो मुझे मेरे से पूछताछ कर तो अरविंद जी जो आपने बात कही ईडी की वजह से पार्टी टूट रही है कई आपने अभी हाल फिलहाल में आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की गई और पच्चीस करोड़ रुपए ऑफर दिए गए वो मामला थोड़ा आप ये कई बार इन्होंने कोशिश कर ली ये पहली बार नहीं है उसके पहले भी इन लोगों ने कोशिश की है ये ऑपरेशन लोटस 2016-17 से चल रहा है इनका ये कई बार इन्होंने हमारे एम को खरीदने की कोशिश की हमारी पार्टी को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं आज तक इन हमारे एमएलए आपको याद होगा जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी अट्ठाईस एम थे हमारे छत्तीस चाहिए थे आठ की कमी थी और इनके बत्तीस थे इनके बीजेपी के 32 थे इनको केवल चार एमएलए तोड़ने थे ये 28 में से हमारे चार एमएलए भी नहीं तोड़ पाए इन्होंने बहुत कोशिश की उन दिनों में तो ये कई बार कोशिश कर चुके हैं हमारी पार्टी तोड़ने की हमारे एम तोड़ने की लेकिन हमारे लोग मजबूत हैं हमारे साथ खड़े हो हमने कोई गलत काम नहीं किया राहुल जी आज अगर किसी पे ईडी का सीबीआई का शिकंजा होता है अगर वो दोषी है अगर उसने गलत काम कर रखा है वो तुरंत बीजेपी में चला जाता है और उसको फिर सारी फाइलें उसकी रफा दफा हो जाती है अगर कोई दोषी नहीं है मनीष सिसोदिया की तरह तो उसको दस बार कोशिश की जाती है बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए वो अड़ा रहता है उसे पता है आज तो कल मैं बाहर तो आई जाऊंगा तो आज ईमानदार की परिभाषा ये नहीं है कि आपको ईडी ने गिरफ्तार किया आज ईमानदार की परिभाषा है ईडी के एक्शन के बाद अगर आप बीजेपी में चले गए तो आप बेईमान हो और अगर ईडी के एक्शन के बाद भी आप डटे रहे और जेल चले गए आप ईमानदार हो इसका मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया अरविंद जी मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार बनी थी तो विधायक उनका स्टिंग क्यों नहीं कर लेते जो आपको ऑफर कर रहे किए हमारे एक या दो स्टिंग हमने जारी भी किए थे लेकिन राहुल जी सारा दिन अब आप आए हमारे पास आप मेरे दोस्त हो और आप उन लोगों का मैसेज लेके आए मान लीजिए अब मैं अपने फ़ोन पे आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी करूंगा यार आप मेरे पास मान लीजिए मैसेज लेके आए आपने कहा अरविंद जी वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि मनीष को भी छोड़ देंगे सतंदर को भी छोड़ देंगे संजय सिंह को भी छोड़ देंगे आप ये इंडिया गठबंधन मत करो अब मैं यार आपकी थोड़ी वो करूंगा आप मेरी और आपकी तो दोस्ती है है ना तो मैं अब आपकी आपकी आवाज रिकॉर्ड करूंगा और फिर जनता को दिखाऊंगा तो रिश्ते खराब होते हैं इसी तरह से करते हैं ये लोग इसी तरह से करते हैं मैं कितनी कहानियां सुनाऊ आपको अच्छा आपने मेरा नाम लिया तो, तो कोई नहीं, एक नाम आप तो, नहीं करते कोई एक नाम तो बता दीजिए कोई एक नाम तो बता दीजिए जो ऑफर लेकर आया हो आपके पास और कहा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट ये है कि इस टाइम देश में चल क्या रहा है इंडिविजुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं है जो कुछ इस देश के अंदर इस वक्त घटित हो रहा है वो अच्छी चीज नहीं है देश के लिए इससे तरक्की नहीं होती आज जिस तरह से भाई चुनाव हुए चुनाव में हमारी आपकी लड़ाई है हम चुनाव लड़े आप चुनाव लड़े आप जीत गए आप सरकार चलाओ वो जीत गए वो सरकार चलाओ जो जीत गया वो सरकार चलाए पांच साल जनता को पसंद आएगी उनको दोबारा वोट दे देंगे जनता को नहीं पसंद आएगी उनको वोट दे के निकाल देंगे अब दिल्ली के अंदर हमें सरकार ही नहीं चलाने देते हर चीज में टांगड़ाते हैं हर चीज में टांगड़ाते हैं पिछले साल इन्होंने एल के जरिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बंद करा दी अच्छी चीज है कि दो महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी टेस्ट बंद करा दिए कई मोहल्ला क्लिनिक हमारे रेंट पे चल रहे हैं किराए पे उनका रेंट बंद करा दिया पेमेंट बंद करा दिया बिजली का पेमेंट लड़ लड़ के इनसे मैंने सारा दोबारा ठीक कराया ये तो अच्छी चीज नहीं है भाई हम जीत गए हमें काम करने दो अब अगले साल चुनाव है दिल्ली का फिर लड़ लेंगे चुनाव तुम अपना अच्छा काम करो तुम्हारे पास केंद्र सरकार इतनी बड़ी सरकार है तुम दिल्ली में इतने अच्छे काम करके दिखाओ ना लोग कहें भाई इनको वोट दो वो खुद भी काम नहीं करते हमें भी काम नहीं करने ये गलत बात है इससे देश की तरक्की नहीं होती अरविंद जी पॉलिटिक्स पर मैं बाद में थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने तीन कोर बताए थे आप जब अस्पताल की बात कर रहे हैं और आप आयुष्मान जो कार्ड है और अपने मोहल्ला क्लिनिक की तुलना कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि दिल्ली में तीन करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ छः सीटी स्कैन मशीन हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ये देश के राजधानी की स्थिति है अब देखिए राहुल जी सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आपको खरीदनी हो बहुत सारी चीजें आप प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में भी करते हैं हमने दिल्ली के अंदर एक योजना लेके आए हैं डाक स्कीम है हमारी डाक स्कीम के तहत आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हो आपका अगर कोई टेस्ट 48 घंटे से ज्यादा का टाइम मिलता है मान लीजिए आपने कोई टेस्ट कराना है और वो कहते हैं तीन दिन बाद आना चार दिन बाद आना या आपने कोई सर्जरी करानी है और वो कहते हैं कि आप एक महीने बाद की डेट देते हैं तो हमने ढेर सारे प्राइवेट अस्पतालों को पैनल किया हुआ है डॉक्टर आपको वो लिस्ट देगा आप बता दो मेरे को इस अस्पताल में जाके कराना है उस अस्पताल में जाके आप अपना टेस्ट करा लो उस अस्पताल में जाके आप अपनी सर्जरी करा लो सारा रिमबर्समेंट दिल्ली सरकार देती है तो लोगों का ख्याल रखते हैं किसी को भी हम वंचित नहीं होने देते इलाज से अगर सिटी स्कैन कम है मशीन जरूरी थोड़ी है कि मैं सारी मशीनें अच्छा तो की की। दो लाख की सिर्फ डिमांड है बाकी दो लाख कहां जाती है थोड़ा उसको आप डिफाइन कर पाएंगे बता पाएंगे कि अगर वो दो लाख बिजली का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल को करने को दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी नहीं बिल्कुल करेंगे बेसिक जैसे दिल्ली और पंजाब में किया मैं बड़ी बड़ी बातें करूं तो कोई फायदा नहीं दिल्ली के अंदर भी बिजली की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी दिल्ली के अंदर तो मैंने और सतेंद्र जैन ने खड़े होकर जैसे अपने घर में काम कराते हैं ना गली गली के अंदर ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े थे तारे टूटी पड़ी थी तारे गल गई थी वो सारी रिप्लेस कराई है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया है लोकल फॉल्ट होते थे बहुत ज्यादा

दूसरी चीज सीएजी की रिपोर्ट कहती है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हम नफे में चल रहे हैं उसके पहले घाटे में चल रही थी दिल्ली सरकार तो अकाउंट्स अच्छे आते हैं मेरे को अकाउंट्स ठीक रखे हुए हैं सारी सरकार नफे में चल रही है लेकिन अगर और पैसा आएगा जैसे कच्ची कॉलोनियों में हमने सारी कॉलोनियों के अंदर अभी हमने पानी लगभग सत्रह सो नब्बे बानवे कॉलोनिया कच्ची साढ़े सोलह सौ कॉलोनियों के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया अब सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बना रहे हैं लगभग 900 के करीब कॉलोनियों के अंदर सड़कें बन गई है बाकियों में बन रही है सभी कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन डाल रहे हैं अगर और पैसा आएगा तो ये एक साल के अंदर काम हो जाएगा अगर कम पैसा आता है तो दो साल लग जाते हैं तीन साल तो पैसा अगर आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो सकता है और पैसा आएगा तो पैसा तो आ अच्छा आ एक चीज बताइए देश के अंदर बॉम्बे के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है दिल्ली वाले देते हैं आप लोग देते हैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दो लाख करोड़ रुपए दो लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिल्ली वाले देते हैं केंद्र सरकार को और बदले में केंद्र सरकार से क्या मिलता है साल का तीन सौ पच्चीस करोड़ तो ये तो चूसने वाली बात हुई ना भाई हम एक ग्रोथ इंजन है देश का एक ग्रोथ इंजन है सोना देने वाली मुर्गी है सोना देने वाली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला ही घोट दोगे तो फिर वो अंडे कैसे देगी तो यार करोड़ रुपए तो तो वालों को मिलने चाहिए उसमें से बाकी आप देश गरीब है हम मानते हैं बाकी आप पूरे देश में बांट दो दिल्ली वालों को उसमें से बीस हजार करोड़ तो देना बनता है तीन करोड़ रुपए देते हैं बताओ मैं क्या गलत मांगता हूं जी मेरा जो अगला सवाल है वो भी थोड़ा उलझा हुआ सा है ये हकीकत है कि दिल्ली में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आए है वो चौदह फीसदी बड़ी है राष्ट्रीय औसत से एक प्रतिशत ज्यादा हुई है बहुत अच्छा कमा रहे हैं दिल्ली वाले लेकिन पॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ रही फिर कमा कहाँ से नहीं आई देखिये इंडस्ट्री जो नॉर्मल इंडस्ट्री है वो वैसे भी दिल्ली के अंदर कम है 85 परसेंट दिल्ली की इकोनॉमी जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से चलती है जो ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो होती थी वो वैसे भी दिल्ली के बाहर भेज दी गई थी कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत तो आज ये वाली इंडस्ट्री वैसे भी दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती सर्विस इंडस्ट्री आ सकती है वो आ रही है काफी बड़े पैमाने पे आ रही है और जब से हमारी सरकार आई है जो कि ईमानदार सरकार है जिसके अंदर रेड टेपिज्म नहीं है तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने खुद ही कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय तो तभी बढ़ेगी ना जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों बढ़ रही हैं उसका एक बेसिक सबसे सिंपल आसान तरीका समझाने का है दो काम किए हैं हमने हमने एक आम आदमी के हाथ में पैसा दिया है कैसे पैसा दिया है उसकी बिजली मुफ्त कर दी उसका पानी मुफ्त कर दिया उसका बसों का किराया महिलाओं का मुफ्त कर दिया उसका शिक्षा मुफ्त कर दी बच्चों की उसका इलाज मुफ्त कर दिया पांच बड़ी चीजें अभी मैंने एक सर्वे कराया था कई वॉल्टियर्स को भेज के कम से कम नहीं तो हर महीने पांच से दस हजार रुपए महीना हर परिवार का बचने लगा है अगर आपके हाथ में दस हजार रुपए महीना एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो आप फिर उससे सामान खरीदोगे बच्चों के लिए और सब्जी खरीदोगे बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें खरीदोगे कपड़े खरीदोगे घर का सामान खरीदोगे इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ती है और जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है दूसरा हमने आने के बाद दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज पहले सात हजार या आठ हजार होता था हमने आते ही पंद्रह हजार कर दिया डबल कर दिया मिनिमम वेज जब मजदूरों के हाथ में पैसा आएगा तो वो पैसा खर्चेगा मार्केट में जाके और जब पैसा खर्चेगा तो डिमांड क्रिएट होती है और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है अभी तक पचहत्तर साल के अंदर सिस्टम यह था ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट में होता था अमीरों को और अमीर बनाओ अरबपति को और पैसे दे दो उसके हाथ में वो फिर फैक्ट्री खोलेगा और वो फैक्ट्री खोलेगा उससे लोगों को जॉब मिलेगा अरे जब खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फैक्ट्री कहां से खुलेंगी पहले खरीदने के लिए डिमांड तो चाहिए इकोनॉमी के अंदर वो डिमांड हम लोगों ने क्रिएट की है दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है क्यों हमारी बिजली फ्री पानी फ्री बसों का किराया फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य फ्री तो ये दिल्ली केंद्र सरकार का डेटा है एवरेज पूरे देश में महंगाई दर परसेंट है उत्तर प्रदेश में गुजरात में सेवन सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है दिल्ली के अंदर महंगाई दर तीन परसेंट है सबसे कम है देश के अंदर अरविंद जी जो सवाल आ, मैं आगे आपसे पूछने वाला हूं वो सवाल आप पर भी है वो सवाल हमारे ऊपर मीडिया पर भी उठता है इसलिए उठता है क्योंकि जब साल में एक बार पॉल्यूशन आता है तो हमें भी पॉल्यूशन की याद आती है वरना मीडिया भी भूल जाता है पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए आपके दोनों स्टेट्स हैं दिल्ली भी और पंजाब भी जहाँ से ये दोनों समस्या बनी हुई है आप इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आए हैं लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा क्योंकि फिर अगली बार वैसी स्थिति बनेगी और कोई ऐसे कॉन्क्रीट प्लान दिखाई नहीं देते हैं हमें ना सेंटर की तरफ से दिखाई देता है ना आपकी तरफ से कोई दिखाई देता है तो दो चीजें एक तो बाकी साल के दौरान सर्दियों में समस्या ज्यादा होती है पोल्यूशन की इस वक्त अगर आप देखें तो पोल्यूशन रीजनेबली कंट्रोल्ड लेवल में है इस है इस टाइम पोल्यूशन ज्यादा नहीं दिल्ली के अंदर लेकिन जब वो अक्टूबर नवंबर आता है और पराली जो हरियाणा पंजाब से आके जल ज, 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 जलती है और यहाँ पे धुआं आता है उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मान साहब जो है पंजाब के अंदर कई सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं इस साल बताया जा रहा था कि तीस पोल्यूशन कम हुआ है लेकिन 30 परसेंट पोल्यूशन कम होना नहीं है हमें पोल्यूशन खत्म करना है तो कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार अपने लेवल पे ले रही है कि हम इंटरनल सोर्सेज को कम करें और वो पंजाब के स्तर के ऊपर ले रहे हैं मुझे उम्मीद है कि ये पचहत्तर साल पुरानी प्रॉब्लम है साल दो साल और लगेंगे लेकिन ठीक हो जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा मतलब आप कह रहे हैं कि अगले दो साल में दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या कम काफी कम होगा काफी कम होगा ये एक इस इस इन महीनों के दौरान तो अब पराली की धुंध से हटके राजनीतिक धुंध की तरफ चलते हैं ये जो इंडिया गठबंधन पर धुंध छाई हुई थी ये साफ हो गई मैं समझता हूँ कि कुछ मूवमेंट शुरू हुआ है लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मुझे लगता है कि काफी पहले काफी सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए थी और हम लोगों ने नहीं की तो ये ठीक नहीं हुआ अगर समय रहते काफी पहले अगर हम तेजी से काम करते एक्टिविटी करते तो नतीजे बहुत अच्छे और हो सकते थे कहा किसकी चूक रह गई देखिये इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस कर रही है कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए था काफी कमी रह गई उधर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर पहले इनिशिएट लेती तो आज तस्वीर कुछ और होती बिल्कुल आपका गठबंधन तो अभी हाल फिलहाल हुआ है वो सही तरीके से आप मान के सीट शेयरिंग अच्छी हो गई है ठीक हो गई है कहा आप मानते हैं कि कांग्रेस अगर थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाती तो गठबंधन और मजबूत होता मुझे लगता है ये मंच नहीं है जिसमें हम एक दूसरे की कमियां निकालें अभी ये है कि जितना बचाए इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं जो भी आज है जितना भी आज है इसको मैक्सिमाइज करके रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए अरुण जी क्योंकि आपकी टक्कर जिन लोगों से है यानी कि बीजेपी से है वो अपना टारगेट चार पार बता रहे हैं तीन अकेले बीजेपी बात कर रही है वो, वो तो बकवास कर रहे हैं <laughs> <laughs> हालत देश की ये है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा पेट्रोल सौ पार चला गया है महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है तो दो सौ सत्तर भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है वो तो तीन सौ सत्तर की बात कर रहे हैं मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाएगा मतलब हालत तो देश के अंदर हालत तो यही है नाराजगी केंद्र सरकार से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि एक वो इंडिया शाइनिंग भी हुआ था इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने कहा था देश बड़ी तरक्की कर रहा है और यो और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है तो आज भी ये वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व गुरु बन गए हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं आम आदमी की जिंदगी के अंदर जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा है एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं जनता की जिंदगी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कैसे काम चलेगा अरविंद जी राम मंदिर का मुद्दा तो प्रभावित करेगा नहीं अच्छा है राम मंदिर होना चाहिए हमने भी हमने भी उस टाइम मैं भी गया था अपने पेरेंट्स को लेके अपनी पत्नी को लेके मान साहब भी गए थे मान साहब भगवंत मान जी अपनी माता जी को और अपनी पत्नी को लेके गए थे सबकी श्रद्धा 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा है राम मंदिर के अंदर पर राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए वो गलत बात है पर्सनल श्रद्धा की बात है मैं राम जी का भक्त हूँ मैं हनुमान जी का भक्त हूँ मैं शिव जी का भक्त हूँ ये मेरी पर्सनल श्रद्धा है सबको अधिकार है 2014 के जो अरविंद केजरीवाल थे वो जब बात करते थे तो बिजली पानी शिक्षा उन्हें भी मंदिर में भी करते दिखाना पड़ा. ना, बिल्कुल नहीं आप मुझे जानते नहीं हो मैं, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ ना आप मेरे को मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि मैं किस किस की भक्ति करता हूँ किस किस की भक्ति नहीं करता ना आप ना आपने कभी मेरे से पूछा और ना कभी मैंने आपको बताया आप मेरे घर आते तो मैं आपको बताता कि ये हमारे घर में मंदिर है यहाँ पे मैं अपने माता पिता के साथ पत्नी के साथ यहाँ पूजा करता हूँ अब अगर मैं राम मंदिर चला गया मैंने तो कोई उसका ढिंडोरा नहीं पीटा चारों तरफ मैं तो गया और आ गया भक्ति करके ना मैंने कोई ढिंडोरा पीटा तो मैं अगर वहाँ चला गया पूजन कराया उनका आशीर्वाद ले आया भगवान जी का तो इसमें क्या गलत है कहते हैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व है ये मेरी अपनी श्रद्धा है मेरी अपनी भक्ति है ये कोई हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व ये टर्म्स तब आती हैं जब आप हिंदुत्व के जरिए वोट लेने की कोशिश करते हैं जब आप हिंदुत्व के जरिए अपने भक्ति की नुमाइश करते हैं जब आप वो सही नहीं है अरविंद जी एक सवाल जरूर जो कि इस वक्त हर आम आदमी के मन में आपने जो गठबंधन कांग्रेस से किया एक वक्त था जब आपने कांग्रेस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है करप्शन के चार्जेस लगाए फिर उसी कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह आज देश की हालत इस समय समय अलग होता है हर समय अलग होता है परिस्थितियां अलग होती हैं आज देश की हालत इस तरह है कि जिस किस्म की केंद्र सरकार है उस सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है एक तरफ लोग दुखी हैं और दूसरी तरफ जनतंत्र के ऊपर पूरी तरह से प्रहार हो रहा है इस वक्त सब लोगों को साथ आके केवल बात कांग्रेस की नहीं एक 140 करोड़ लोगों को साथ आके ये केंद्र से सरकार हटाने की जरूरत है स्कूलों की थोड़ी बात कर लेते हैं स्कूलों की जो व्यवस्था दिल्ली में लागू की गई जब हम पूरे देश के स्कूलों में देखते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बेहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में ऐसा क्यों वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी ऐसी <laughs> कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के मैं भी गया था स्कूलों में अच्छा एक चीज बताओ प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फोटो खिंचवाने लायक था फिर एक टेम्पोरे टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया गया जिसमें चार बच्चों को बिठाया गया और वहां पे उनको फोटो खिंचवानी पड़ी

दिल्ली सरकार के स्कूल थे कुछ एक छोड़ के बाकी सारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया जो बच गए उनको करेंगे एम अब हमारे पास आई है एम के लगभग अठारह सौ प्राइमरी स्कूल हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है नेक्स्ट स्टेज में उनको सबको ठीक करना है उनको बेहतर बेहतर बनाना है और स्कूलों के अंदर अब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया टीचर्स को मोटिवेट कर दिया अब करिकुलम जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है आपको जान के ताजुब होगा कि हम ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं ग्यारहवीं बारहवीं के स्कूल के बच्चों को हमारा ये मानना है कि देश के अंदर बेरोजगारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारे बच्चे जो निकलते हैं कोई बीएससी करके निकल रहा है कोई बीए करके निकल रहा है कोई बीकॉम करके निकल रहा है कोई एलएलबी करके निकल रहा है और हर बच्चा निकलने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है इतनी नौकरियां कहां से आएंगी हमें अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाना है ताकि वो स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने वो हम सिखा रहे हैं आपको जान के वहां पे अब हमारे लगभग ढाई लाख बच्चे हैं बारहवीं क्लास के अंदर पूरे सिस्टम में हर बच्चे को हम दो दो हजार रुपये देते हैं और उनको कहते हैं कोई बिजनेस आइडिया सोचो तो पांच बच्चे दस बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो दस बच्चे इकट्ठे हो गए तो उनके बीस हजार हो गए वो फिर कोई बिजनेस आइडिया सोचते हैं उसको मार्केटिंग करते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपना माल बेचते हैं फिर हम बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों को लाके उन बच्चों से प्रेजेंटेशन कराते हैं वो बच्चे प्रेजेंटेशन करके उन उद्योगपतियों से अपना लोन रेज करते हैं ग्यारहवीं के बच्चे बारहवीं के बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चे आपको जान के एक ताजुब होगा एक बच्ची से जब हम एक टीम से जब हम प्रेजेंटेशन ले रहे थे वो टीम की बच्ची कहती है प्रेजेंटेशन देते टाइम कि सर अब मैंने लगभग लोगों को युवाओं को रोजगार दे दिया है अब अगली स्टेज के अंदर हम आईआईटी दिल्ली में जा रहे हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए बारहवीं की बच्ची दिल्ली के सरकारी स्कूल की बच्ची कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि मैं कैंपस इंटरव्यू करने के लिए आई दिल्ली जा रही हूँ देश के लोगों को रोजगार तो तभी मिलेगा जब हमारे बच्चों को हम तो ये करिकुलम को लेके अब हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने स्कूलों के अंदर करिकुलम में जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो इतिहास की किताब तो नहीं बदलेंगे आप? नहीं इतिहास की किताब नहीं बदली लेकिन जैसे अभी हमने हैप्पीनेस करिकुलम किया खुश कैसे रहना है तो हर क्लास के अंदर रोज सुबह 45 मिनट पहले 45 मिनट मेडिटेशन होती है उनको इंस्पायरिंग कहानियां सुनाई जाती है और आपको जान के ताजुब होगा जब वो राष्ट्र ट्रंप साहब आए थे देश में उनकी वाइफ मिलानिया ट्रम्प वो दिल्ली के सरकारी स्कूल के हैप्पीनेस क्लास अटेंड करके गई थी हमारी उसने वहां सुना हुआ था अमेरिका में सुना था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कोई हैप्पीनेस क्लास चलती है जो बहुत अच्छी है वो आई उसने 45 मिनट पूरी हैप्पीनेस क्लास अटेंड की थी अरविंद जी फिर से थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल मैं जरूर पूछूंगा थोड़ी देर पहले इसी मंच पर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और आपका जब जिक्र आता है तो वो आपको बीजेपी का छोटा रिचार्ज के जवाब नहीं देने मुझे। पर आप उनको अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते वो भी तो बीजेपी के विरोध में ही रहते <laughs> तो बीजेपी के साथ ही मिले हुए सब लोग जानते हैं कि उनको बीजेपी वोट काटने के लिए इस्तेमाल करती है ममता बनर्जी जिस तरीके से शुरुआत में आई और कांग्रेस का भी उनके साथ में जिस तरीके से अभी गतिरोध बना हुआ है बहुत हद तक अभी बहुत क्लियरिटी नहीं हो रही है आपको लग रहा है अरविंद जी नीतीश कुमार का जाना ममता से उस तरीके से बातचीत ना हो पाना यूपी में तो हो गया आपसे हो गया ये आपके लिए वो जादुई आंकड़ा नहीं ला पाएगा जो आप उम्मीद कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कड़वाहट है या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगे और बाकी भी जितने पार्टनर्स हैं उनके साथ भी सीट शेयरिंग अच्छे माहौल में पूरी होनी चाहिए आपने तो बातचीत की मामला है है पे किस जगह जाकर फंस जाता देखिए अंदर दो दस तरह के वो होते हैं यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती लेकिन आ, सब लोगों को बैठ के एक अच्छे माहौल के अंदर देश को बचाने के लिए ये करना चाहिए अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू सो मच और साथ में बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी रुके Thank you Rahul ji, thank you Arvind ji, thank you for this spectacular session and may I please request Arvind sir to please be seated as uh, I would like to request on stage TV9K editor Convergence and Strategy Deepu Padhyay who will honour Arvind ji once again.